डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारी यूनिट चल रही है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बीएससी फोर्थ सेम के लिए, तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। अब ये क्या है इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो बोर्न ओपेनहाइमर दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि उन्होंने ये अप्रॉक्सीमेशन दिया था। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, वैसे तो अब आप क्वांटम में पढ़ेंगे इसको, पर क्वांटम तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, तो हो सकता है आपने क्लास में पढ़ी हो इसको। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी हमारी, वो किसी एटम के लिए, जैसे सपोज़ अगर हम मान लें कि कोई हाइड्रोजन एटम, ठीक है, किसी एटम के लिए कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किसी भी एटम के लिए सॉल्व करना ईजी होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन देख लीजिए, पहले तो मैं यही बताती हूँ, ये यहाँ पर जो लिखी हुई है ना, ये वाली इक्वेशन जिसमें एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई लिखा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी। एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको दिख भी रहा है सामने, और ये क्या करता है, जो स्पेस में किसी सिस्टम की एनर्जी और पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर क्योंकि हम एनर्जी की बात करेंगे आगे जाके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एनर्जी कैलकुलेट करने में, उस सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। और सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, कोई एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। तो जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई किया, तो उसके लिए तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाए, यानी इसका सल्यूशन, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो इसका सल्यूशन जो है हमें एटम के लिए मिल गया। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जैक्टली। लेकिन जब इसे मॉलिक्यूल पर अप्लाई किया गया, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वैसे हम किसी लार्ज मॉलिक्यूल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल है और उससे भी छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैटायन है, इस पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने इसे मॉलिक्यूल पर अप्लाई किया, तो जो इसका सल्यूशन था, यानी जब हम इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन केस ऑफ एटम, एटम के केस में क्या हुआ, हैमिल्टोनियन, अभी मैं डिस्क्राइब करूंगी आपको कि हैमिल्टोनियन क्या होता है। हैमिल्टोनियन को हम शो करते हैं एच कैप से, एच कैप मतलब ये हमने कैपिटल एच बनाया और इसको हमने टोपी पहना दी ये ऐसे, तो ये एच कैप कहलाती है, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कंटेन्स ओनली टू टर्म्स। तो जब हमने एटम के केस में इसका हैमिल्टोनियन, यानी ये जो एच हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसके हैमिल्टोनियन में सिर्फ दो ही टर्म्स आई हमारी, एक तो आई काइनेटिक एनर्जी टर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और दूसरी आई पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऑफ सिस्टम। देखिए एक्चुअल में अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो एटम में क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर ये तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया, और बाहर इसका सिर्फ एक ही, मतलब जो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो एटम में तो खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव कर रहा है, न्यूक्लियस हमारा स्टेशनरी है, माने एक ही जगह पर स्थित है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, तो किसी भी चीज़ के मूवमेंट से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब जो भी चीज़ मूव करेगी उस मूवमेंट की से जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आई, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी टर्म हम यहाँ लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म होगी इलेक्ट्रॉन की और प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगी सिस्टम की। अब ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन एटम हमने लिया ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी टर्म सिस्टम की ली। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन से जो एसोसिएटेड होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उससे जो जुड़ी हुई एनर्जी हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर हमने हैमिल्टोनियन में दो टर्म को यूज़ कर लिया, एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी टर्म हो गई सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म इन्वॉल्व हुई। अब ये एच कैप का क्या मतलब है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ। पहले एच कैप क्या हो गया, एच कैप हमारा यहाँ पर एच कैप को हम लिख सकते हैं टी प्लस वी। क्वांटम मैकेनिक्स में टी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, वी मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एच कैप एक एनर्जी टर्म हो गई। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है,
तो ये एक एनर्जी टर्म होती है। तो जब इस एनर्जी टर्म को हम किसी वेव फंक्शन पर, ये साई है, साई आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये साई जिसको कि हम वेव फंक्शन बोलते हैं। अब वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो स्पेस में किसी गिवन पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को इसकी वेव के एम्पलीट्यूड से रिलेट करता है, ठीक है। तो जब हम इस हैमिल्टोनियन को यानी एच कैप को इस साई पर अप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है उस सिस्टम की, जिस सिस्टम के लिए हम ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख रहे हैं। जैसे अगर हमने एटम के लिए लिखी है तो एटम के हैमिल्टोनियन के की हैमिल्टोनियन टर्म को जब हम साई पर अप्लाई करेंगे तो हमें एटम की एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पर। यानी हम इस इक्वेशन की हेल्प से समझ लीजिए आपकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं उस सिस्टम की, ठीक है। तो एटम की एनर्जी तो यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन मॉलिक्यूल की एनर्जी मिलने में हमें यहाँ पर परेशानी हुई, मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? क्योंकि मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए जब हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो उस हैमिल्टोनियन में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। कौन कौन सी टर्म्स आएगी? इलेक्ट्रॉनिक मोशन की, फिर टर्म्स होगी न्यूक्लियर मोशन के लिए, और टर्म्स होगी उनके इंटरैक्शन के लिए। देखिए एटम में क्या था? एटम में सिर्फ एक न्यूक्लियस था और उसका एक इलेक्ट्रॉन था। जब हम अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो मूव कर रहा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी टर्म थी। और क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन था, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी टर्म थी। तो खाली हैमिल्टोनियन में हमें सिर्फ दो ही टर्म मिली थी और दो टर्म को हमने इजीली सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट कर ली उस एटम की एनर्जी, ठीक। लेकिन जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो दो न्यूक्लियस हो गए और उन दोनों न्यूक्लियस के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट होगा ही पूरे न्यूक्लियर सिस्टम में, यानी पूरे होल सिस्टम में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर न्यूक्लियस भी एक दूसरे के पास आ सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं, तो न्यूक्लियस में भी मूवमेंट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का भी काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी को हमने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि न्यूक्लियस तो हमारा स्टेशनरी था, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो न्यूक्लियस के मूवमेंट को भी हम मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस के मूवमेंट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी वो टर्म भी हम यहाँ लेंगे। तो पहली टर्म जो ये टी ई लिखी है, ये हमने सारी टर्म लिखी हैं हैमिल्टोनियन किसका? जब हम मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन में भी हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। और काइनेटिक एनर्जी किस किस की वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है? तो उन सब की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है वो भी हम वहाँ लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने टर्म लिखी है। टी एन, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियाई का की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने लिखी है। फिर वी ई, वी जो टर्म होगी वो पोटेंशियल एनर्जी को डोनेट शो कर रही है, तो वी ई ई का मतलब हो गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टर्म है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमने लिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है तो इन पर रिपल्शन हो सकता है, तो इनके रिपल्शन की से जो एसोसिएटेड होती है एनर्जी उसको पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो। तो वो हम वी ई ई से डोनेट बार बार बोल रही हूँ मैं, शो कर डिनोट डिनोट सॉरी डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर वी ई एन, आप इसको वी एन ई भी लिख सकते हैं या वी ई एन भी लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म ड्यू टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगी वो वी ई एन या वी एन ई आप इसको लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म हो गई। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी? वी एन एन। वी एन एन क्या? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है इस वाले न्यूक्लियस पर, तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म ड्यू टू न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। तो आप देख रहे हैं जब हमने एटम का हैमिल्टोनियन लिखा तो हमने सिर्फ दो टर्म लिखी, काइनेटिक एनर्जी टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऑफ सिस्टम, और उन दो टर्म को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब हैमिल्टोनियन में इतनी सारी टर्म्स इन्वॉल्व हो गई, और ये तो सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ दो न्यूक्लियाई हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप सोचिए जब लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे सपोज हमारा C6H6 बेंजीन है, तो बेंजीन में तो 6 न्यूक्लियाई कार्बन, 6 न्यूक्लियाई हाइड्रोजन, तो कुल मिलाकर 12 न्यूक्लियाई हो गए। फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, और उन सबके लिए काइनेटिक एनर्जी टर्म्स और उन सभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके हैमिल्टोनियन को सॉल्व करना, क्योंकि हैमिल्टोनियन में इतनी सारी टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो अब किया क्या जाए? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्न ओपनहाइमर ने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया था, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे।
देख लेते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे इसमें लिखा है द कंप्लीट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ मॉलिक्यूल कवर्स बोथ द न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस जो कंप्लीट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, तो ये पूरा हैमिल्टोनियन तो हम लिखेंगे। इस कंप्लीट श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हम इसमें हैमिल्टोनियन की वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाली हैमिल्टोनियन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मोशन भी आ गया, यानी न्यूक्लियर टर्म्स भी इसमें हैं और इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स भी इसमें हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इट कवर्स बोथ द न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन, दोनों मोशंस को ये कवर करती है। तो दिस इक्वेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, तो ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है दैट इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, और इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ठीक है, टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बॉर्न एंड ओपनहाइमर सजेस्टेड एन अप्रॉक्सीमेशन। तो बॉर्न और ओपनहाइमर ने एक अप्रॉक्सीमेशन को सजेस्ट किया विच इज़ नोन एज बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, जिसको कि हम बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। और उसने क्या अप्रॉक्सीमेशन दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग द टर्म रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियर मोशन इन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रॉक्सीमेशन। इस अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में जो टर्म्स न्यूक्लियर मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम क्यों रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो अप्रॉक्सीमेशन उसने दिया था बोर्न और ओपनहाइमर ने, वो ये था कि बोर्न एंड ओपनहाइमर एज्यूम्ड, उन्होंने ये माना कि दैट सिंस द न्यूक्लियाई आर सेवरल थाउजेंड टाइम्स हैवियर, क्योंकि जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी जो न्यूक्लियस होंगे वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवियर होते हैं, न्यूक्लियर का मास तो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और हज़ारों गुना लगभग 18-14 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियाई का मास। तो द न्यूक्लियाई में बी एज्यूम्ड टू बी स्टेशनरी, तो इसलिए हम ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियाई जो है वो स्टेशनरी होंगे, यानी वो एक ही जगह पर स्थित रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उस समय न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेशनरी होंगे, यानी उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो फिक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हैंस वाइल इवेल्युएटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकालेंगे, द वेरियस न्यूक्लियाई मे बी कंसिडर्ड फिक्स्ड इन स्पेस विद कॉन्स्टेंट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि जितने भी वहाँ न्यूक्लियाई हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, यानी कि उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ना तो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है, वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही अप्रॉक्सीमेशन माना गया कि जैसे यहाँ पर ये जो न्यूक्लियाई हैं ये मूव नहीं कर रहे हैं, पहले हमने इनके मूवमेंट की वजह से ही तो काइनेटिक एनर्जी टर्म को इंक्लूड किया था, तो अब ये मूव ही नहीं कर रहे हैं, इनको हमने मान लिया स्टेशनरी, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म को हम इसमें से रिमूव कर लेंगे, यानी न्यूक्लियर मोशन की वजह से जो टर्म इस हैमिल्टोनियन में आ रही होगी, यानी न्यूक्लियस की वजह से जो भी टर्म्स यहाँ पर होंगी उन्हें हम रिमूव कर लेंगे। तो जब हम उन्हें रिमूव कर लेंगे तो जो हमारी बचेगी इक्वेशन वो थोड़ी ईजी हो जाएगी हमारे लिए सॉल्व करना। तो इसके लिए उन्होंने एक तो ये अप्रॉक्सीमेशन, मतलब इस अप्रॉक्सीमेशन की वजह से हम उस न्यूक्लियर मोशन टर्म्स को उसमें से निकाल सकते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, और इस अप्रॉक्सीमेशन को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट कर लेंगे दो पार्ट में, एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से और एक न्यूक्लियर मोशन की वजह से। देखिए हमारा जो ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में है क्या क्या चीज, मॉलिक्यूल में क्या होता है, न्यूक्लियाई थे अभी हमने देखा ही और इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मोशन की वजह से एक हमारा पूरी हैमिल्टोनियन में टर्म आ रही थी और इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से टर्म आ रही थी। तो हमने क्या करा, अब हम उस अप्रॉक्सीमेशन को लगाएंगे जिसमें न्यूक्लियाई को फिक्स माना गया, अपनी इस जगह पर स्टेशनरी माना गया कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी कंप्लीट जो थी हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी एच कैप एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो न्यूक्लियर, दो पार्ट में सेपरेट कर लिया, एक तो न्यूक्लियर मोशन की वजह से हमारी जो इक्वेशन बनेगी श्रोडिंगर इक्वेशन, और एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी। तो ये हैमिल्टोनियन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये साई भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो दिस कैन बी डन बाय राइटिंग द टोटल वेव फंक्शन, ये जो हमारा यहाँ पर साई लिखा हुआ है ये हमारा टोटल वेव फंक्शन है, क्योंकि ये हम पूरे मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे हैं,
वेव फंक्शन एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन एंड द न्यूक्लियर वेव फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साई है यानी जो टोटल वेव फंक्शन है ये दो वेव फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल में भी तो दो ही सिस्टम काम कर रहे हैं, एक न्यूक्लियाई है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और एक मतलब न्यूक्लियर सिस्टम है, तो दो सिस्टम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो दो सिस्टम की वजह से भाई न्यूक्लियाई सिस्टम जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसका अपना साई होगा, जिसको हम साई एन से डिनोट कर रहे हैं। साई तो वेव फंक्शन हो गया, एन मतलब न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो हमारा साई होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोशन का जो अपना साई होगा उसको हम ई कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो कंप्लीट साई होता है, मतलब अगर हमने किसी सिस्टम को दो छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ये मॉलिक्यूल हमारा एक पूरा बड़ा सिस्टम है, इस बड़े सिस्टम को हमने दो छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर दिया, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कर सकते हैं, जब हम इन्हें छोटे छोटे सिस्टम को में डिवाइड कर देते हैं तो जो ये छोटे छोटे सिस्टम का वेव फंक्शन होता है, इन वेव फंक्शन को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस बड़े सिस्टम का वेव फंक्शन मिल जाता है। तो यही हमने यहाँ पर कर रखा है। तो ये जो ये साई जो था ये पूरे मॉलिक्यूल का था, और ये प्रोडक्ट होता है दो वेव फंक्शन का, एक वेव फंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन हो गया, और दूसरा हमारा न्यूक्लियर वेव फंक्शन हो गया। तो ये दोनों छोटे छोटे सिस्टम थे, इन दोनों छोटे छोटे सिस्टम के वेव फंक्शन का प्रोडक्ट जो होता है वो पूरे होल सिस्टम का वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर साई ई जो है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज दोज ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट पर भी और न्यूक्लियाई के कोऑर्डिनेट पर भी। कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जो बताते हैं, मतलब अगर हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना है, सपोज ये यहाँ पर एक पॉइंट बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर सपोज अगर मैं यहाँ इसको जैसे ग्राफ हम बनाते हैं ना, तो ये जैसे ग्राफ बना दे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर मैंने देखा कि इसकी कोई बोले कि इसकी लोकेशन को बताओ, और यहाँ पर भी मैं इसे 1 और ये 2 और ये 3 मान लूँ, तो देखिए अगर हम नीचे से यहाँ देखेंगे तो ये 3rd पोजीशन पर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 और 3। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई की बात करें तो इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, जो हर एक्सेस में होते हैं एक्स वाई जेड, तो हर इलेक्ट्रॉन के तीन तीन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो साई ई होता है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है, जबकि साई एन जो है यानी कि जो न्यूक्लियर वेव फंक्शन है वो सिर्फ न्यूक्लियाई के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। तो ये तो हमने साई को मतलब हमने देख लिया कि कंप्लीट साई जो हमारा था वो छोटे छोटे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और न्यूक्लियर वेव फंक्शन का प्रोडक्ट था। अब इसी तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को भी हम लिख सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो हमने इक्वेशन 1 में यूज़ किया था उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में फिर से वही है कि अगर एक बड़ा सिस्टम छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना है तो उन छोटे छोटे सिस्टम के जो हैमिल्टोनियन होंगे अगर हम उनको ऐड कर दें तो फिर बड़े सिस्टम का हैमिल्टोनियन हमें मिल जाता है। तो जो ये एच कैप है यहाँ पर, ये तो हो गया मॉलिक्यूल के लिए, है पूरे मॉलिक्यूल के लिए हैमिल्टोनियन, और ये एच ई जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन है, और एच एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन की बात करें तो सिर्फ हम जो इलेक्ट्रॉनिक टर्म इसमें यूज़ हुई है हम सिर्फ उसी से इसका हैमिल्टोनियन बनाएंगे। यहाँ पर टी ई हो जाएगा, टी ई मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वी ई ई मतलब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन हुआ था उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, और नीचे हम एच एन को क्या लिख, जो बची हुई टर्म्स थी हमारी तो हमने जो उसको हमने यहाँ नीचे लिख दिया। तो जो हमारा कंप्लीट हैमिल्टोनियन था उसमें ये पांच टर्म ही तो आ रही थी, देखिए जब हमने शुरू में लिखा था तो ये पांच टर्म थी ना यहाँ पर, इन पांच टर्म को हमने अब अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, एक में आ गई तीन टर्म और बाकी में बची हमारी दो टर्म। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन में हम टोटल हम करते क्या है, काइनेटिक एनर्जी टर्म्स और पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं पर वो टर्म्स लिखी नहीं है क्योंकि आपके यहाँ डेरिवेशन नहीं है बॉर्न ओपन अप्रोक्सीमेशन का, तो मैं यहाँ पर टर्म नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ उन टर्म को सिम्बलाइज करने के लिए मैंने कुछ सिम्बल्स यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। तो ये अगर आपको कहीं देखना तो बुक्स वगैरह में आपको ये पूरी कंप्लीट जो है इक्वेशन मिल भी जाएगी, पर क्योंकि हमारे पास तो इसका वो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं, तो मैं डेरिवेशन आपको यहाँ नहीं करवा रही हूँ, बस सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये टर्म्स जो है यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन वाली हमारी ये तीन टर्म्स यूज़ हो गई, और न्यूक्लियर
में हमारी ये वाली टर्म्स यूज हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन ओवर इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हमारी वेव इक्वेशन वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो थी एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर अप्लाई करें तो हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पर हैमिल्टोनियन एच ई हो जाएगा, साई ई हो जाएगा इज इक्वल टू ई ई, और साई ई हम इस तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो इससे यहाँ पर जो ये ई ई हमें मिलेगी, यानी जब हम इस हैमिल्टोनियन को इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमें जो भी एनर्जी मिलेगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर इसको अप्लाई कर रहे हैं। सभी कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक ले रखा है, ई ई ई कर रखा है सबको, तो इलेक्ट्रॉनिक ले रखा है, तो इसलिए एनर्जी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दोनों न्यूक्लियाई की पोजिशन पर डिपेंड करेगी। फंक्शन होने का मतलब होता है उस चीज़ पर डिपेंड करना, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दोनों न्यूक्लियाई की पोजिशन पर डिपेंड करेगी। सो ऑन सॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो ये ई ई मिलेगी, एक्चुअल में ये होती क्या है, वी गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। हमें दोनों न्यूक्लियाई की ये पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, ये जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये दोनों न्यूक्लियाई की पोजिशन का फंक्शन होती है, यानी दोनों न्यूक्लियाई की पोजिशन पर डिपेंड करती है। इसलिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो ई ई हमें मिलती है, एक्चुअल में हमें यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियाई की पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और इसका यही इसी का यूज़ हम आगे न्यूक्लियर वाली जब हम वेव फंक्शन न्यूक्लियर वेव फंक्शन पर जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे तो वहाँ पर हम इस एनर्जी को यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा, तो जो ये ई ई हमने अभी देखी ये क्या है, एक्चुअल में ई ई इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस होती है, अब इसकी क्या चीज़ है, इट इज़ द पोटेंशियल स्प्रेड आउट ओवर अ सरफेस विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियाई ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में ये एक पोटेंशियल है जो एक सरफेस के ऊपर फैला हुआ होता है, और इसे न्यूक्लियाई फील करते हैं, क्यों, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से न्यूक्लियाई जो पोटेंशियल एनर्जी फील कर रहे हैं, बस उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस बोल देते हैं। और क्योंकि ये न्यूक्लियाई की पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए जब हम न्यूक्लियर वे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो इस टर्म को भी हम ई ई को भी उस हैमिल्टोनियन में इंक्लूड करेंगे। देखिए अगर हम न्यूक्लियर, अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इट विल बी द पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर द न्यूक्लियर श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि ये न्यूक्लियाई की पोटेंशियल एनर्जी है तो जाहिर सी बात है हमें इसे न्यूक्लियाई हैमिल्टोनियन में तो यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, हमारी जो नॉर्मल हम लिखते, अगर न्यूक्लियर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते तो हम क्या लिखते, जैसे हमने एच ई साई ई लिखा था, अब हम एच एन साई एन लिखेंगे, और यहाँ पर ई एन और साई एन लिखेंगे, और हम ये, और एच एन क्या था एक्चुअल में, काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म तो हमने एच एन में लिखी दी थी पहले, न्यूक्लियर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो इसमें आ ही रही थी, और क्योंकि अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी लिखनी है जो हमें पहली इक्वेशन से मिली जब हमने इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को सॉल्व किया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिली वो एक्चुअल में दोनों न्यूक्लियाई की पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसे भी हमें इसमें इंक्लूड करना था। तो अब हम यहाँ खाली एच एन न लिख कर इसी इक्वेशन को हम फिर कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो एच एन प्लस ई ई फिर साई एन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने खाली ई लिखा है, यहाँ पर मैंने ई एन नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं ई एन लिखती तो हमें सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी मिलती, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है, इन द अबव इक्वेशन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर न्यूक्लियर मोशन इंक्लूड्स द न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर था ये वाला, एंड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी इसमें है। ठीक है, तो सो द सिंबल ई रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल की अब हमें टोटल एनर्जी मिल गई है, क्योंकि हमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी भी है इस वाले टर्म में, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है। और मॉलिक्यूल में क्या सिस्टम थे, दो ही तो सिस्टम थे, एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियर सिस्टम था, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, तो हमें इसकी भी एनर्जी मिल गई और हमें इसकी भी एनर्जी मिल गई, और इन दोनों एनर्जी को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल मॉलिक्यूल की एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए हमने इसको ई एन नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं मिल रही है, यहाँ पर जो हमें मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिलेगी, तो क्योंकि दोनों एनर्जी हमें मिल रही है इसलिए ये जो सिंबल हमने यहाँ पर ई लिख दिया है, ये हमें टोटल एनर्जी
मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगी। तो ये हम इसी वजह से कर पाए क्योंकि हमने बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगाया। उन्होंने क्या करा, जो हमारा एच कंप्लीट एच था, यानी जो कंप्लीट हैमिल्टोनियन था, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही थी और उन सब टर्म्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, तो हमने उनको दो पार्ट में सेपरेट कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वाली श्रोडिंगर इक्वेशन अलग लिखी और न्यूक्लियर श्रोडिंगर इक्वेशन अलग लिखी। तो इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें एनर्जी मिली वो एक्चुअल में न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी थी, इसलिए हमने जब हम न्यूक्लियर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी तो उस एनर्जी को हमने इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और इस पूरी टर्म में क्योंकि हमें न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी टर्म भी मिल गई और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी टर्म भी मिल गई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम साई एन पर लगाएंगे, तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगी। और यही हमारा मोटिव भी था। श्रोडिंगर इक्वेशन से एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे थे। तो जब हमारी मॉलिक्यूल की एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना था, तो इतने बड़े हैमिल्टोनियन को बस हमने दो पार्ट में डिवाइड करके मॉलिक्यूल की एनर्जी को तो हमें कैलकुलेट कर लिया, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिल गई। तो फॉर ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स द अप्रॉक्सीमेशन हैज़ बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल पर तो ये अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से काम कर गया, पर इट फेल्ड टू प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स इन सर्टेन एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ कैटायंस। लेकिन कुछ ग्राउंड स्टेट कैटायंस और एक्साइटेड स्टेट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये अप्रॉक्सीमेशन फेल हो गया। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा बेटा, क्योंकि हो सकता है कि आपके तो MCQs ही आए इस बार, तो MCQs में ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल पर ये अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आगे जाके एक्साइटेड स्टेट, कुछ एक्साइटेड स्टेट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कुछ ग्राउंड स्टेट कैटायंस पर ये ठीक से काम नहीं कर पाया, मतलब इसने अच्छे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें नहीं दिए। तो ये पूरा था बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। फिर जो ये टोटल एनर्जी निकल के आई श्रोडिंगर इक्वेशन से, इसी को बोर्न ओपन अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक अभी हमें हमने कैपिटल ई निकाला, ठीक है, और वो कैपिटल ई को हमने क्या कहा कि वो न्यूक्लियर एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो टोटल एनर्जी सम होती है इन दोनों एनर्जीज़ का, और न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास कितने टाइप की हो सकती है, वो ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, वो रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो हमने ऑलरेडी इसमें ले ही रखी है। तो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की ये होती है, जो हमने इसे नीचे इसको इससे दिखा भी रखा है इक्वेशन से, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होगी भाई, हम न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी की तो बात करते हैं, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी वो न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी थी। तो न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी से मतलब है उसमें ये तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो सकती हैं। एक होगी ट्रांसलेशन, जो न्यूक्लियस के मूवमेंट की वजह से होती है या मूवमेंट से एसोसिएटेड होती है, अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता दूंगी। रोटेशनल एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है जब मॉलिक्यूल जो है रोटेट करता है, यानी न्यूक्लियाई जो है वो रोटेट करेंगे। वाइब्रेशनल एनर्जी, ये एनर्जी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से एसोसिएटेड होती है, यानी जब न्यूक्लियाई वाइब्रेट करेंगे तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, तो इस ट्रांजिशन से जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल देते हैं, ठीक। तो ये चार टाइप की एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी जो है इन चारों एनर्जी से मिलकर बनी होती है। फिर है ऑल ऑफ दीज एनर्जीज एक्सेप्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी आर क्वांटाइज्ड। ट्रांसलेशनल एनर्जी को छोड़कर बाकी सब एनर्जीज जो होंगी वो हमारी जो हो जाती हैं क्वांटाइज्ड होती है। ये मैंने रोटेशनल की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, ROTA, यहाँ पर टी और रह गया बेटा, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, क्वांटाइज्ड वर्ड का क्या मतलब है, क्वांटाइज्ड वर्ड का ये मतलब हुआ बेटा, पिछली बार मैंने आपको ना बहुत सारे लेवल्स बताए थे, रोटेशनल लेवल्स थे, वाइब्रेशनल लेवल्स थे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स थे। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो जैसे ये अगर ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल कुछ वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना है, वाइब्रेशनल लेवल फिर कुछ रोटेशनल लेवल से मिलकर बने हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लास्ट वीडियो जाके देखेगा, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सब लेवल्स जो हैं हमारे क्या होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि अगर इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाना है
वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा ई टू माइनस ई वन के इक्वल। ठीक, सपोज अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए उसे 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक, तो अगर उसे 10 किलो जूल पर मोल दी जाएगी तब तो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जाएगा। अब सपोज हमने दे दी उसे 8 किलो जूल, तो वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हमने दे दी 9 किलो जूल तो उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हमने दे दी 1 किलो जूल तो उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसे देंगे 10 किलो जूल, यानी जितनी एनर्जी उसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए चाहिए, जब तक उसे वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो उसे जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो वो जब फिक्स्ड अमाउंट उसको मिलता नहीं है तब तक वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि वो 8 किलो जूल लेगा और बस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, उसे तो यहीं जाना है, दूसरे लेवल में जब जाना है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में अगर जाना है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच का डिफरेंस ही चाहिए। रोटेशनल लेवल होंगे, जैसे मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस किया था, जैसे ये लेवल मैंने बनाए थे ऐसे छोटे छोटे बीच में बनाए थे, फिर एक बड़ा लेवल हो गया। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे लेवल्स बनाए थे, फिर एक बड़ा लेवल हो गया। ऐसे हमने ऊपर भी बनाए थे, ये बीच में छोटे छोटे लेवल्स थे और फिर ये बड़ा, फिर बीच में छोटे छोटे लेवल्स थे और फिर ये बड़ा। तो ये पूरा का पूरा था इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, और जो ये वाले, ये बड़ी जो लाइनें यहाँ पर दिखा रखी हैं, ये था वाइब्रेशनल लेवल, और जो ये छोटे छोटे दिखा रखे हैं ये हैं रोटेशनल लेवल। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रोटेशनल लेवल, तो रोटेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ, सपोज मैंने ये रोटेशनल लेवल बना दी बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को, सॉरी जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे यहाँ से इसे ये वाले लेवल में जाना है तो यहाँ तक जाने के लिए अगर उसे सपोज 3 किलो जूल चाहिए एनर्जी, तो जब उसे ये मिल जाएगी तभी वो ऊपर जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो यहाँ से यहाँ 2 किलो जूल ले ले और यहाँ बीच में कहीं रह जाए। बीच में कहीं रहेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई लेवल बना हुआ ही नहीं है। तो जितनी भी एनर्जी उसे एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए चाहिए, जब तक उसे वो एनर्जी नहीं मिलती तब तक वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए। और ये लेवल कोई भी लेवल हो सकते हैं, रोटेशनल लेवल हो सकता है, वाइब्रेशन लेवल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी एनर्जी है रोटेशनल, तो एनर्जी से मतलब अगर रोटेशनल लेवल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम रोटेशनल एनर्जी बोल देते हैं। वाइब्रेशन लेवल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी बोल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जा रहा है तो जो यहाँ एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात हुई कि जितनी भी हमारी ये हुई एनर्जीज जो हुई वो सबकी, इन ये तीन एनर्जी जो हुई वो क्वांटाइज होती हैं। सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज नहीं होती, मतलब इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। इसको थोड़ी सी भी दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए यूज़ कर ले रहा है। तो क्योंकि ट्रांसलेशन एनर्जी क्वांटाइज नहीं है तो इसकी तो ये तो इट इज़ नेग्लेजिबली स्मॉल, तो छोटी से छोटी वैल्यू भी एनर्जी, मतलब एनर्जी की छोटी से छोटी वैल्यू को भी एब्जॉर्ब कर लेगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये काफ़ी स्मॉल होती है। एंड सो द बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन को सिर्फ इतना सा दिखा सकते हैं, ट्रांसलेशन को इसमें से हटा दिया। वैसे भी ये प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सारी प्योर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। प्योर काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है। बाकी इन दोनों एनर्जीज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब होता है जहाँ पर मॉलिक्यूल का कंप्लीट मास वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब इट शुड बी नोटेड, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का लेवल सबसे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मैंने आपको अभी अभी डायग्राम के थ्रू बताया भी था कि ये छोटे छोटे लेवल्स हैं हमारे रोटेशनल और बड़े लेवल्स हैं हमारे वाइब्रेशनल। ठीक है, ऐसे ही हम ऊपर अगर बना दें तो ये छोटे छोटे लेवल्स हो गए और ये बड़े बड़े लेवल। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने के लिए चाहिए तो वो उस इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ी सी कम ये हो जाती है, और रोटेशनल एनर्जी तो बस यहाँ से यहाँ जाने के लिए चाहिए, सबसे कम वैल्यू रोटेशनल की होती है, और ट्रांसलेशन सबसे छोटी होती है, वो तो कितना भी अमाउंट, क्योंकि वो कोई क्वांटाइज एनर्जी होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में मैंने थोड़े से कुछ वीडियोज़ छोटे छोटे GIF डाले थे। देखिए, ये जो यहाँ पर, ये जो पहला डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है मॉलिक्यूल का रोटेशन, ये वाटर मॉलिक्यूल है।
रेड जो है ये ऑक्सीजन है, और जो ये वाइट वाइट है ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है, रोटेशन इस तरह से। तो इसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। तो ये रोटेशनल एनर्जी का एक एग्जाम्पल हो गया कि मॉलिक्यूल में रोटेशन कैसे हो सकता है, तो वो मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर वाइब्रेशन है, देखिए सेंटर वाला जो है वो अपनी जगह पर है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं कभी दूर जा रहे हैं फिर पास में आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं पास में आ रहे हैं, कई बार एक एटम आप और ये ऊपर जा रहे हैं अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन एनर्जी बहुत टाइप की, मतलब वाइब्रेशन काफ़ी टाइप के होते हैं, वो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप अब इस समय देखेंगे तो जो दोनों एटम थे ये वाइट वाइट वाले, ये फिर इक्वल डिस्टेंस पर जा रहे हैं, अब फिर से ये ऊपर नीचे होने लगे, फिर ऐसा भी होगा कि एक इसके पास आएगा दूसरा इससे, देखिए इस समय एक पास आ रहा है दूसरा दूर जा रहा है। तो इस तरह के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनसे जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। यहां पर अगर हम बात करें ये वाले मॉलिक्यूल, यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी को, कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहां पर शो हो रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। तो ये जो आज हमने सारा डिस्कस किया वो था बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बारे में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।